हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। किचन की साफ़ सफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि तेल की चिकनाई, जमे काउंटर पे कैबिनेट, सेल्फ और सिंक की सफाई करना इतना आसान नहीं होता। आज मैं कुछ टिप्स लेके आई हूँ जो आपके घंटों के काम को मिनटों में कर देंगे और ये समय बचाएंगे और बहुत ईजीली आपके सारे काम हो जाएंगे। और हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक कर दें सो डेट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कांच के बर्तनों पर अगर दाग पड़ गए हैं तो उन्हें निकालने के लिए उसे नमक मिले पानी में साफ करें, इससे कांच के बर्तन चमक जाएंगे। शीशे और कांच पर अगर आईने पे अगर दाग पड़ गया है, दाग धब्बे लग गए हैं, तो उसे उसमें आप कटे हुए आलू से थोड़ी देर तक रब करें। उसके बाद कॉटन के कपड़े से या फिर न्यूज़पेपर से कांच को पोंछ लें, इससे शीशा चमक जाएगा। किचन में आप एक कटोरी रखें और चाय बनाकर छानते वक्त जितनी भी पत्ती निकलती है वो उसमें डाल दें। दिन भर की जो पत्ती जमा होगी उसे एक बार पानी से धो लें, फिर इस पत्ती को आप पौधों के गमलों में डालें। ये खाद का काम करती है। कपड़े से स्याही के दाग हटाने के लिए कपड़े में टूथपेस्ट लगा दें, उसमें पानी ना लगाएं और इसे सूखने के लिए छोड़ दें। जब ये सूख जाए तो नॉर्मल पानी से वॉश कर दें। कई बार घर में रखी हुई पुरानी नेल पॉलिश सूख जाती है, फिर वो लगाने लायक रहती नहीं। इसके लिए आप नेल पॉलिश को थोड़ा पानी गर्म करें, फिर नेल पॉलिश की शीशी को हल्के गर्म पानी में 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दें। कुछ देर बाद आप उसे लगाएंगे, वो इजीली लग जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। कई बार जब कटिंग बोर्ड पर सब्जियां काट रहे होते हैं तो वो बार बार स्लिप करता है, इसे काम करते वक्त प्रॉब्लम्स भी होते हैं और ज़्यादा वक्त भी लगता है। इसके लिए आप कटिंग बोर्ड के नीचे एक गीला कपड़ा रख दें, इससे आपका कटिंग बोर्ड अपनी जगह से नहीं हिलेगा। कई बार हमारे बालकनी में कबूतर आके बैठ जाते हैं और बहुत गंदा करते हैं और हमें रोज़ रोज़ सफाई करनी पड़ती है। गंदगी आसानी से साफ भी नहीं होती। अगर आप भी कबूतर के आने और गंदगी से परेशान हो गए हैं तो ये सिंपल सा उपाय करें। आपको ब्लैक पॉलीथीन लेनी है और इस को उस जगह पे बांध दें जहाँ पे कबूतर आती है, इसे बाहर की तरफ बांध दें। इस पॉलीथीन की वजह से कबूतर नहीं आएगी। अक्सर नेल पॉलिश लगाते वक्त ये नेल से बाहर निकल जाती है और स्किन पे लग जाती है और छूटने में दिक्कत होती है, तो इसके लिए जब भी आप नेल पॉलिश लगाएं, उस नेल्स के चारों तरफ जो स्किन होती है उसमें या फिर वैसलीन या कोल्ड क्रीम या फिर ऑयल लगा दें, जिससे बाहर निकली हुई नेल पॉलिश आराम से इजीली छूट जाएगी।